25 सितंबर सारे पंजाब के तिना खेती कानून का विरोध करने वास्ते 11 बजे तो लैके 1 बजे तक चक्का जाम जोड़ा वो किया। ये जवाब तो वही दे सकते अकाली दल वाले कि चाहते हैं, लेकिन मैं लगता है कि जो लोगों को समझ आ गई तो फिर लोगों ने इन्हों को किसी को गुमराह नहीं होना। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए खेती बाड़ी ऑर्डिनेंस का विरोध हो रहा है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर श्रोमणी अकाली दल बादल की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा भी दे चुकी हैं। अब सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि इस बिल के खिलाफ वह गांव गांव घूमेंगे और किसानों को बताएंगे कि इसकी क्या खामियां हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी ये कह दिया है कि 25 सितंबर को श्रोमणी अकाली दल के तमाम नेता जो हैं प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। इसे लेकर अब लंबे समय से चल रही दोनों अकाली भाजपा में गठबंधन को लेकर दरार पैदा होना निश्चित हो गई है। भले ही दोनों दल इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल भाजपा का विरोध कर रहा है उससे तो साफ जाहिर है अगले विधानसभा चुनाव में जो पंजाब में वर्ष 2022 में होने हैं दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आइए बताते हैं कि दोनों पार्टियों के नेता क्या कहते हैं। एक वर्चुअल मीटिंग पार्टी के सारे सीनियर लीडर से बंद हुई है जिदे विच ये फैसला किया गया है कि 25 सितंबर सारे पंजाब के तिना खेती कानून का विरोध करने वास्ते 11 बजे तो लैके 1 बजे तक चक्का जाम जिहड़ा वो किया जाए। हर हल्के दे विच साढ़े सीनियर आगू साढ़े वर्कर किसान वीर खेत मजदूर तो बाकी सारे सहयोगी 3 घंटे शांतमई तरीके दे नाल चक्का जाम जिहड़ा वो करन। उस तो बाद 26 सितंबर तो लैके 29 सितंबर तक 4 दिन लगातार प्रधान साहब सारे पंजाब के जिलों का टूर करके मास कंटैक्ट प्रोग्राम लॉन्च करनगे। इन्हां खेती कानूनों का जो किसानी नूं नुकसान हो रहा उहदे बारे वर्कर नूं जाणू कराउणगे और फिर 1 तरीक नूं एक वड्डा रोस प्रदर्शन जिहड़ा सारे पंजाब चों तिन्नां तख्तां तों अरदास करके सारे साढ़े आगू वर्कर किसान वीर खेत मजदूर ते साथी 1 तरीक नूं चलणगे और मोहाली दे दशहरा ग्राउंड दे विच पहुंचणगे जिथों फिर गवर्नर साहब नूं मिल के राष्ट्रपति दे नां दे उत्ते एक मेमोरेंडम दिता जाएगा जिदे विच इन्हां तिन्नां खेती कानूनां नूं वापस लैण वास्ते जिहड़ी आ उह अपील कीती जाएगी। ये जिहड़ा किसान ऑर्डिनेंस आया सी उस तो बाद हुण पार्लीमेंट बिल पास होया ये 60% किसान दे हित विच है और आने वाले समय च पूरी किसानी नूं तां बहुत वड्डा फायदा मिलेगा। देखते उन्होंने अपनी पार्टी तो एक समझने इस तरह के जो भी कभी कोई रिफॉर्म होंगे है उदो विरोधी धिर इस तरह के रौले पाते हैं। इस देश की प्रथा रही है हमेशा। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दोवें वक्रे वक्रे रस्तियां ते जा रहे ने। देखो अकाली दल अजे भी साडे NDA दा पार्टनर है, NDA विच है और उहदे नाल इक कल्ले अपने मंत्री दा इस्तीफा दित्ता है, वो साडी NDA विच है और NDA विच ही रहेगा। पर सुखबीर बादल जी का भी कहना है कि असीं हर एक पिंड पिंड जाके इस बिल बारे सारिआं नूं दस्सांगे कि इहदीआं की की खामियां की इहदे इहनूं तुसीं किस तरह देखदे हो। ये जवाब तो उही दे सकते अकाली दल वाले कि उह की चाहुंदे आ, लेकिन मैनूं लगदा कि जदों लोकां नूं समझ आ गई तो फिर लोगों ने इन्हों को किसी को गुमराह नहीं होना। ये नाल तो उल्टा काला बाजारी खत्म होएगी और जोड़े कमीशन एजेंट ने 8.5% ये उत्ते सरकारी क्विंटल के बोझ पैंता सीगा किसान का जोड़ा बिल्कुल खत्म हो गया तो किसी कीमत पर भी स्टोरेज नहीं हो सकती। स्टोरेज जखीरा कर एक उन्होंने टाइम रख दिता है कि 30 दिन तो बाद कोई स्टोर नहीं कर सकता। ये सरकार ने सारे तुम बिल पढ़ो ना, सरकार ने सारे मेजरमेंट लाए ने, ना हूँ कोई जखीराखोर नहीं कर सकेगा ना काला बाजारी होएगी और जिन्हें विचोलिए जो किसान की खेती का विचोलपना करके पैसे लेंदे सी कमीशन लेंदे सी वो सारे खत्म हो जाएंगे। जिसका रेट तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गई सरकार की, जोड़ा जिन्स लेगा उस तो उपर लेगा उस तो थले नहीं ले सकता और किसान की मर्जी है कि उन्हें अपनी जिन्स किस पा दे बेचनी है, वो कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता।